नमस्कार साथियों, सीबीबी का आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। यूपी आईटीआई के सेकेंड मेरिट लिस्ट में इन लोगों को इलेक्ट्रीशियन फिटर नहीं मिल पाएगा। क्यों? उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जितने लोग हैं सभी लोग को इलेक्ट्रीशियन चाहिए और फिटर चाहिए। ज़्यादातर लोग जो ही चाहते हैं कि हमें इलेक्ट्रीशियन मिल जाए या तो फिटर मिल जाए। भैया, सीटें लिमिटेड होती हैं, तो जिनका परसेंटेज अच्छा होता है, जो कैटेगरी के आधार पर बटे होते हैं, जिनका कोई आरक्षण है, स्पेशल कोटा है, तो उनको जो है पहले वरीयता दिया जाता है। अब आखिर क्यों नहीं मिल पाएगा सेकेंड राउंड में इलेक्ट्रीशियन और फिटर, उसके पीछे क्या रीज़न है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आया है और वो अपने फॉर्म में अगर जो है इलेक्ट्रीशियन या फिटर भर रखे हैं, ठीक है, अगर उनको फर्स्ट राउंड में नाम इलेक्ट्रीशियन फिटर में नहीं आया है, कोई दूसरे ट्रेड में आ गया है, अगर वो फ्लोट किए होंगे, ठीक है, अगर वो फ्लोट किए होंगे, तो पहले जो है जो फर्स्ट राउंड वाले हैं, जब सेकेंड राउंड जारी होती है तो जो फर्स्ट राउंड वाले फ्लोट किए होते हैं पहले उनका नाम आता है और उनको वरीयता दिया जाता है उसमें जो इलेक्ट्रीशियन और फिटर भरे होते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर जो फर्स्ट लिस्ट वाले हैं जो फ्लोट किए हैं अपने इलेक्ट्रीशियन फिटर में, अगर उनको जो है फिटर इलेक्ट्रीशियन मिल जाता है तो सेकंड वालों को चांस कम हो जाता है, क्योंकि अगर ये भी इलेक्ट्रीशियन फिटर भरे हैं तो सबसे पहले वरीयता फर्स्ट वालों को दिया जाता है, फिर इसके बाद जिनका सेकंड में नाम आया है, अगर सीटें बच जाती हैं तब उसमें जो है नाम आता है। यही इसमें प्रोसेस है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मेरे कहने का मतलब बस इतना है दोस्तों कि अगर जो फर्स्ट राउंड वाला फ्लोट किया होगा फिटर इलेक्ट्रीशियन में, तो पहले वरीयता फर्स्ट वालों को दिया जाएगा, फिर सीटें बच जाएंगी, तब जाके सेकेंड राउंड में जिनका नाम आएगा उनको वरीयता दिया जाएगा। यही इसमें प्रोसेस होता है। तो सभी लोग को इलेक्ट्रीशियन फिटर ही चाहिए, इसका मतलब ये है कि सीटें लगभग फर्स्ट लिस्ट में आधा फुल हो जाती हैं, सेकेंड आते आते और फुल हो जाती हैं, लेकिन जो फ्लोट किए हैं पहले वरीयता उनको दे दिया जाता है। यही कारण होता है कि सेकेंड राउंड में इलेक्ट्रीशियन फिटर बहुत कम चांस होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मिलता ही नहीं है, मिलता है, ऐसा नहीं मिलता नहीं है, मिलता है, लेकिन चांस थोड़ा सा यहाँ पे कम होता है सेकेंड राउंड में। और जब थर्ड राउंड आती है तो उसमें मात्र 10% ही चांस रहता है कि आपको इलेक्ट्रीशियन फिटर मिल जाएगा, 90% चांस खत्म हो जाता है। और जब उसके बाद चौथी मेरिट लिस्ट आती है तो चौथी तक जाते जाते बिल्कुल इलेक्ट्रीशियन फिटर की जीरो हो जाती है। और अगर बचती भी है तो अगर मान लीजिए कोई एडमिशन कराया था फिर बाद में छोड़ देते हैं, वही एक सीटें दो सीटें कहीं मिल जाएंगी, नहीं तो कहीं नहीं मिलेंगी। इसका मतलब ये है कि पहले राउंड में अगर नाम आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आपको इलेक्ट्रीशियन फिटर मिल जाता है। दूसरे राउंड में थोड़ी सी उम्मीद कम हो जाती है, तीसरे राउंड में उम्मीद बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और चौथे राउंड में उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सीटें जीरो हो जाती हैं। यही इसकी प्रोसेस है, यही इसकी प्रक्रिया है। अगर मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि फर्स्ट राउंड वालों को सेकेंड राउंड वालों को फ्लोट करने का मौका मिलता है, मान लीजिए फर्स्ट वाला फ्लोट कर दिया है और उसके बाद जो है इसका इलेक्ट्रीशियन मिल गया है सेकेंड राउंड में, और इलेक्ट्रीशियन चाहिए सेकेंड राउंड वाले को, तब ये क्या करेगा, ये फ्लोट जब करेगा तो इसका थर्ड राउंड में नाम आएगा। जब इसका थर्ड राउंड में नाम आएगा तो यहाँ पे इसको वरीयता दिया जाएगा सेकेंड वाले को, और फिर जो थर्ड राउंड वाला है अगर ये भी इलेक्ट्रीशियन भरा है तो इसको नहीं मिल पाता है, और फिर सीटें हो जाती हैं जीरो। यही दोस्तों प्रक्रिया, यही पूरा प्रोसेस है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको डाउनलोड करके जो है इसमें पढ़ सकते हैं, इसमें सब कुछ जो है सीट आवंटन के बारे में लिखा है जो न्यू अपडेट 2024 में जारी हुआ है। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।